गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने, कि हम लोग कैसे एक गुड ह्यूमन बन सकते हैं, ठीक है, हम अच्छे कैसे हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से हमें अच्छे काम करने चाहिए, कौन से हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है, ये हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में जो अपना चैप्टर था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है। आज कौन सा टॉपिक है अपना, डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स, डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स की जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके साथ कैसे डील करनी चाहिए हमें, ठीक है। स्ट्रेंजर्स मतलब स्ट्रेंजर्स क्या होते हैं बेटा, जो अनजान होते हैं, अनजान लोग होते हैं ना, स्ट्रेंजर जिसे आप जानते नहीं हो, जिसे आप शायद पहली मीटिंग हुई हो आपकी, ठीक है, या फिर आप उनसे बिल्कुल अनजान हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रेंजर होते हैं, अनजान होते हैं, ठीक है। तो एक अनजान इंसान से आप कैसे डील करते हो, ठीक है, वो आपको इस चैप्टर में एज एन एग्जाम्पल आपको पूछा भी गया है एंड आपको बताया भी गया है, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ स्ट्रेंजर इज अ पर्सन हुम वी डू नॉट नो एट ऑल। मैंने अभी अभी बताया स्ट्रेंजर क्या होता है बेटा, स्ट्रेंजर वो एक इंसान जो कि जिसको आप नहीं जानते हो, इवन आपकी पहली मीटिंग भी उससे नहीं हुई होगी, ठीक है, मतलब आप उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रेंजर, ओके। टिक द एक्टिविटीज यू मस्ट डू व्हेन यू मीट अ स्ट्रेंजर। आपको उन एक्टिविटीज को टिक करना है जो जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो आपको करनी चाहिए, ठीक है, एंड क्रॉस द वन यू मस्ट नॉट, और आप उन एक्टिविटीज को क्रॉस करो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जब आपको कोई अनजान इंसान मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, एज अ क्वेश्चन यहाँ पूछे हैं, आपको उनको टिक और क्रॉस करना है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, इफ अ स्ट्रेंजर कम्स टू पिक यू अप फ्रॉम द स्कूल, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको स्कूल से पिक करने के लिए आए, saying he has been sent by your parents, you should, क्या कहे, और कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आ रहा है एंड आपको बोले कि मुझे आपके मम्मी पापा ने भेजा है आपको स्कूल से पिक करने के लिए, ठीक है, आप स्ट्रेंजर है बेटा, वो आप उसे जानते नहीं हो, कोई अनजान व्यक्ति आपको आके यूँ बोलता है कि मुझे आपके मम्मी पापा ने भेजा है आपको पिक करने के लिए, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हाँ, गो विद द स्ट्रेंजर, रिफ्यूज टू गो विद द स्ट्रेंजर, आपको उसके साथ जाना चाहिए, आपको मना कर देना चाहिए कि मैं नहीं जाऊंगा, जब मेरे पेरेंट्स आएंगे तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, आपको उसे मना कर देना चाहिए कि जब मेरे पेरेंट्स आएंगे तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा, जबकि क्यों, क्योंकि आप उस पर्सन को तो जानते ही नहीं हो और आपको क्या पता कि उसने वो आपके मम्मी पापा के कहने पर आया है या नहीं आया है ना, तो गो विद द स्ट्रेंजर, नो, हमें स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना चाहिए, रिफ्यूज टू गो विद द स्ट्रेंजर, हमें रिफ्यूज कर देना चाहिए, हमें मना कर देना चाहिए उसके साथ जाने के लिए, ठीक है, हमें मना कर देना चाहिए उसके साथ जाने के लिए, ओके। देन सेकेंड, इफ अ स्ट्रेंजर गिव्स यू एन आइसक्रीम यू शुड, अगर आपको कोई स्ट्रेंजर, कोई अनजान व्यक्ति आपको आइसक्रीम देता है, ठीक है, तो आपको वो आइसक्रीम ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बेटा स्ट्रेंजर है वो, आप उसे नहीं जानते हो, ठीक है, वो आपको आइसक्रीम दे रहे तो आपको ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बेटा किसी भी अनजान व्यक्ति से आपको आइसक्रीम या फिर कोई भी जो प्रोडक्ट हो खाने के लिए या फिर कैसे भी प्रोडक्ट हो आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है, आपको किसी भी अनजान इंसान से कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, ठीक है, रिफ्यूज टू टेक द आइसक्रीम, टेक द आइसक्रीम, रिफ्यूज टू टेक द आइसक्रीम, हमें मना कर देना चाहिए उससे आइसक्रीम लेने के लिए, टेक द आइसक्रीम, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। देन थर्ड, इफ अ स्ट्रेंजर नॉक्स एट द डोर एंड यू आर अलोन इन द हाउस यू शुड, जब कोई अनजान व्यक्ति आपका घर का जो डोर है वो नॉक करता है,
ठीक है, कोई अनजान व्यक्ति आपके घर का डोर नॉक करता है, ठीक है, तो आपको डोर खोल देना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? बेटा अनजान व्यक्ति है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, एंड आप घर में भी अकेले हो, आपके मम्मी पापा पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर और या फिर आपसे बड़ा और कोई नहीं है, तो आपको कभी भी गेट ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके आपका गेट नॉक कर रहा है एंड आप उसे नहीं जानते हो, आप घर में अकेले हो, तो आपको गेट ओपन नहीं करना चाहिए। ओपन द डोर, नहीं, नॉट ओपन द डोर, ओपन डोर, डोर ओपन नहीं करना चाहिए। ओके, करेक्ट, ओके। सो क्या डील्स की हमने यहाँ स्ट्रेंजर के साथ, कि अगर कोई स्ट्रेंजर आपको कहीं ले जाना चाहे, जैसे आपको स्कूल से पिक करने के लिए आए, आपको ये बोल दे कि मेरे मम्मी, आपके मम्मी पापा ने भेजा है मुझे आपको पिक करने के लिए, तो उसके साथ नहीं जाना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी सामान हमें नहीं लेना चाहिए। एंड अगर आप घर में अकेले हो तो और आपका डोर कोई स्ट्रेंजर नॉक कर रहा है, तो आपको डोर ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। ओके, बाय।